कभी नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन हो तो तुरंत ही इंस्टेंट हांडवा हम बनाएंगे, जो बिल्कुल ही तुरंत बन जाता है, जिसके लिए हमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी लिया है 1 कप। उसके अंदर हम 1 कप बेसन का आटा ऐड कर देंगे, जितना हम सूजी लेंगे उतना ही बेसन, और 1 कप चावल का आटा। मतलब तीनों का जो रेशियो है हमें सेम ही रखना है। तीनों आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर बटर मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बटर मिल्क था इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना बटर मिल्क ऐड किया था। अगर आपके पास दही है तो आप 1 कप जितना दही ऐड करना, और उसके बाद उसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। वापस से मैं 1 कप बटर मिल्क ऐड करती हूँ, और इस तरह का हम मिश्रण तैयार कर लेंगे। हमारा जो हांडवे का मिश्रण है उसकी कंसिस्टेंसी हमें अच्छी करने के लिए करीबन 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हमें उसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर है, हींग है, नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट करीबन 3 चम्मच जितनी डाली है। उसके बाद कैप्सिकम डाल देंगे। हम यहाँ पे वेजिटेबल हांडवा बनाएंगे तो इसके लिए अब जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर भी ऐड किया है, और हम कॉर्न भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे कॉर्न को इस तरह से थोड़ा पीस लिया है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लौकी भी ऐड कर सकते हैं। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है तो हम इसके अंदर एक तड़का लगा देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे राई ली है, और उसके बाद लौंग और एक लाल मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हींग पाउडर और तिल ऐड कर देंगे। तिल से बहुत ही अच्छा हांडवा बनता है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि कलर भी अच्छा आ जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर देंगे, और हमारा जो हांडवा का बैटर है वो एकदम तैयार हो चुका है। तो कभी भी आपको इंस्टेंट हांडवा खाने की इच्छा हो तो आप इस तरह से घर पे ही तुरंत बना सकते हैं। ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो कुक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई में तेल रखा है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा तिल ऐड कर देंगे, और हमारा जो बैटर है उस बैटर को इसके अंदर रख देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बैटर रख सकते हैं, जितना भी आपको थिकनेस चाहिए उस तरह से। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस वाला नहीं बनाती हूँ। उसके बाद हम इस तरह से ढक्कन ढक देंगे। तो एक साइड से हमारा जो हांडवा है वो पक चुका है। अब धीरे से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हमारे एक साइड अच्छी तरह से हमारा हांडवा पक चुका है, तो अब दूसरी साइड भी इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। जब भी हम इसे पकाएं तब हमें जो गैस की फ्लेम है वो एकदम मीडियम ही रखनी है, और जब दूसरी साइड कुक करें तब मीडियम स्लो पे रखनी है। तो हमारा हांडवा बनके तैयार हो चुका है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।